तो हेलो गाइज, व्हाट्स अप एंड कैसे आप सब लोग, होप करता हूँ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर द 1K, मतलब मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। एंड अभी मेरी मतलब आँखें बहुत ज़्यादा सूज रही है, मैं जस्ट उठा हूँ, मतलब अभी 6 बज रहे हैं। ये मेरा नॉर्मल डे नहीं है, पहले ही बता दूँ। कई को बहुत बंदे सोच रहे होंगे भाई तूने वीडियो के लिए बना लिया नॉर्मल डे, ठीक है वैसे नॉर्मल डे नहीं है, बट मैंने सोचा कि कुछ टाइम तक 6 बजे उठा जाए, देखते हैं यार कैसा रहता है, ठीक है। तो अभी यार मेरी क्लास है 6 to 8:30 और 8 बजे या फिर 8:30 तक क्लासेस होंगी, तो मैं वो लेने जा रहा हूँ अभी। फिर देखते हैं यार पूरे दिन में क्या करेंगे। मतलब मैं ये वाला ब्लॉग एज अ नॉर्मल डे इन माई लाइफ करने वाला हूँ, तो वो करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलो चलते हैं यार, एक बार क्लास ले लेता हूँ मैं, फिर मिलते हैं। सो गाइस, अभी का सीन कुछ ऐसा है यार, अभी बज रहे हैं यार 8 या 8:30, मेरे को एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता, बट क्लास ओवर हो चुकी है। एंड मतलब मेरे को इतनी तेज भूख लग रही है ना अभी, मतलब बहुत ही ज्यादा तेज। मैंने सोचा था स्विगी से ऑर्डर करा लूँ कुछ, बट फिर मैंने सोचा कि नीचे जाके थोड़ा सा सुनने को मिलेगा मम्मी से, तो इसलिए मैंने ऑर्डर नहीं कराया, घर का ही खाना खाएंगे अभी। तो देखते हैं यार फर्स्ट मील में क्या है हमारे साथ। एंड साथ में क्या बोलते हैं, मैं क्या बोलने वाला था यार, मैं भूल क्यों जाता हूँ। हाँ मैं ये बोलने वाला था, जो भी चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब वाला रेड बटन ज़रूर दबा देना यार, दबा दो, ठीक है। एंड आज मौसम भी बहुत ज़्यादा सेक्सी हो रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सेक्सी हो रहा है दिल्ली का मौसम, बट ये ज़्यादा देर रहता नहीं है, थोड़ी सी बारिश हो जाएगी, फिर इतनी तगड़ी धूप निकलने वाली है जो कि हमारा जुलूस निकाल देगी। तो यार एक बार मैं ब्रश कर लेता हूँ एंड देन ब्रेकफास्ट मिलते हैं, क्या है दिखाता हूँ मैं, चलो चलते हैं नीचे। सो गाइज, अभी हमारे साथ मील में है ये सारी चीज़ें, मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम लेंगे ओट्स, आपके पास कोई भी स्कूप होगा, या मैं वैसे ही बता देता हूँ, ये 30 ग्राम का स्कूप है, तो हम मैं तो लेने वाला हूँ 1.5 स्कूप, बट आप अगर स्टार्ट कर रहे हो तो आप एक स्कूप से स्टार्ट कर सकते हो, बहुत होता है एक स्कूप भी, मतलब 30 ग्राम ओट्स दिन के लिए बहुत होते हैं, ठीक है, अगर आप नॉर्मली कर रहे हो। एंड अगर आपको गेनिंग वगैरह करनी है तो आप 2 स्कूप तक चले जाओ, 2 स्कूप ले सकते हो, ठीक है। एंड उसके साथ हम मिलाएंगे थोड़े से आलमंड्स, लगभग 10 to 12 आलमंड, एंड या सो ये रहे हमारे 10 से 12 आलमंड्स। नाउ हम मिला रहे हैं इसमें अखरोट, और इसे क्या कहते हैं, वॉलनट कहते हैं ना शायद, आई डोंट नो, मतलब सही से इंग्लिश में नहीं पता मुझे, बट शायद वॉलनट कहते हैं। तो 2 वॉलनट मिलाए, एंड ये ब्लूबेरी, ये बहुत ज़्यादा महंगी आती है तो हम ज़्यादा नहीं मिलाएंगे बहुत ज़्यादा महंगी आती है सीरियसली, तो ज़्यादा नहीं, 3-4 पीस मिलाएंगे तो ये। एंड इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे थोड़ी सी चिया सीड या फिर फ्लैक्स सीड, शायद चिया सीड भी बोलते हैं इसे, तो ये मिलाने वाले हम थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही मिलाएंगे। तो ये मिल चुका है हमारा फ्लैक्स सीड, अब हमें क्या करना है मेन क्वेश्चन यहाँ आता है। तो अब हमें इसे मिक्स करना है मिक्सी में, तो मेरे पास तो ये पड़ा हुआ है लाइक नॉर्मली मिक्सर है, मतलब ये बोतल में ही जुड़ जाता है मिक्सर काइंड ऑफ, वो आपको दिख जाएगा, समझ आ जाएगा आपको, या ये है मेरे पास। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मली मिक्सर में भी डाल दोगे तो भी हो जाएगा, ये है तो बहुत बेटर है। तो या एक बार इसे मिक्स हो जान दो, फिर आगे बताते हैं। सो गाइस, फाइनली ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, परफेक्ट बिल्कुल। एंड यार मैं बताऊँ एक चीज़, लाइक अब मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ मिल्क, जो कि आप ना पहले ही ऐड कर सकते हो, बट मैं बाद में इसलिए ऐड कर रहा हूँ, लाइक मेरे को ना वो लास्ट में वो बादाम वगैरह है ना, वो सही से वो नहीं होते, क्रश नहीं होते, तो मतलब जब मिल्क ऐड करके करता हूँ मैं, तो इस वजह से मैंने पहले पाउडर फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर दिया। एंड नाउ इसमें हम मिल्क ऐड करने वाले हैं, एंड मिल्क को थोड़ा सा मैं गर्म कर लूँगा,
मतलब मेरे को थोड़ी ठंड लग जाती है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा गर्म उसमें पी रहा हूँ। अगर आप ठंडे उसमें भी पी रहे हो तो आपको बेस्ट लगेगा, मस्त एकदम टेस्ट आएगा इसका, उसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। एंड इवन अगर आपको और गेनिंग वगैरह करनी है तो आप इसमें 2 बनाना या फिर 1 बनाना ऐड कर सकते हो, वो भी कर सकते हो आप, ठीक है। एंड साथ में ये शेक ना बहुत ज़्यादा हैवी होने वाला है, तो आपको बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत ब्लोटेड फील हो सकता है। तो इसको मैंने दोबारा मिक्स करा दूध डालने के बाद। सो ये फाइनली परफेक्टली मिक्स हो चुका है। सो गाइज़ मैं इस बीच ये बताना भूल गया था कि मैंने मिल्क कितना ऐड करा है। तो गाइज़ मैंने इस जो आप स्टील का ग्लास देख रहे हो इसका मैंने 1 ग्लास मिल्क डाला था। तो मान लो ये ग्लास है अप्रॉक्स 250-300 ml का, तो आप उतना दूध मिला सकते हो। एंड जैसा कि आप देख रहे हो थोड़ा सा बच गया है उसमें अभी भी, क्योंकि मेरा जो पाउडर फॉर्म था मतलब एक्स्ट्रा बचता ही है। तो लेट मी एंजॉय द शेक एंड या बहुत मस्त था ये, बिलीव मी आपको बहुत मज़ा आएगा, एक बार ट्राई करके देखना ये शेक बना के देखना। तो यस, सो गाइस फाइनली द मील इज डन एंड मस्त मील थी मुझे याद, मुझे बहुत पसंद आती है ये वाली मील। पहले मैं ये करता था लाइक कि ओट्स को बॉयल करके खाता था, बट अब थोड़ा सा टाइम से हो जाता है, 5 मिनट का टाइम लगता है इसमें, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एंड उसमें मेरे को बॉईल करना होता था कम से कम अप्रॉक्स 5-10 मिनट्स बॉईल, फिर ठंडा होगा वो, फिर खाना पड़ेगा, तो उसमें बहुत हेक्टिक वाला प्रोसेस था। तो मैंने सोचा थोड़ा सा सिंपल करो, इसे एक शेक ही बना लेते हैं, थिक शेक बना लेते हैं। तो ये मील ना बहुत ही ज़्यादा तगड़ी होगी जो भी बहुत ज़्यादा स्किनी है या फिर कुछ भी। तो आप पहले 1 स्कूप से स्टार्ट करना, 1 स्कूप ओट्स, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते रहना। एंड बढ़ाना भी इतना ही लाइक 50-60 ग्राम मैक्स, ठीक है, उससे ज़्यादा मत लेना ओट्स, ठीक है। उसके बाद ऐसा होगा कि आपका ब्लोटेड फील होने लग जाएगा पूरे दिन में, आपको कुछ मन नहीं करेगा फिर खाने का, तो वो नहीं करना हमें। तो यप, एंड इससे आपको पूरे दिन एनर्जी भी रहेगी। तो अभी यार बच गए हैं, क्या देख रहा हूँ मैं, गाड़ी तो है ही नहीं, अभी बच गए हैं यार अप्रोक्सीमेटली 9 बज गए। तो अभी यार चलते हैं, यार मैं शावर ले लेता हूँ, देन मेरी क्लासेस है, क्लासेस तो नहीं बोलूँगा, टेस्ट है उसके बाद, तो वो भी देना है, तो 2 टेस्ट है, उसके बाद ही मिलते हैं, देखते हैं क्या होगा आगे, दोपहर की नींद क्या हमारी एंड उसके बाद क्या सीन होगा। तो यार तो गाइस फाइनली क्लास हो चुकी है ओवर, एंड अभी का कुछ सीन ऐसा है कि अभी बज रहे हैं 12:30, तो अभी मेरे को दोबारा बुक कर चुकी है, देख करा तो नीचे मम्मी ने क्या बनाया, वैसे चावल होंगे एंड उसके साथ पता नहीं क्या होगा, तो खाते हैं दोपहर का लंच, देन मिलता हूँ आपको। सो गाइस प्रॉबेबली आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से वीडियो स्टार्ट हो गई, तो गाइस मैं बता दूँ, मैं लंच करने के बाद सो गया था, एंड लंच में था चावल एंड केले की सब्जी थी एंड एक एग फ्राई था, बस वही था, तो वो हमने खा लिया था। एंड उसके बाद मैं अभी लगभग 4 बज रहे हैं, 4 या 4:30, तो मैं सीधा मार्केट आ चुका था घर का सामान लेने, तो थोड़ा सा तो वो लेने आए। बस हो रखी आगे बिलिंग काउंटर पे, पता नहीं कितना टाइम लग रहा है, बहुत बस लड़ाई, यहीं से लाइन स्टार्ट है बिल्कुल इसी जगह से, देखते हैं कितना टाइम लगता है। सुबह जब जाके हमारी टर्न आई है एंड आधा घंटा लग गया हमें पूरा, तो फिर जाके मिलता हूँ, और बहुत बस लड़ गया। सो गाइस अभी बज रहे हैं यार 8:15 एंड मैंने जो इससे पहले वाली मील ली है, मतलब इवनिंग वाली मील, वो मैं शूट नहीं कर पाया, मतलब मैं भूल गया, मतलब मैंने जस्ट तो नहीं, मतलब 45 मिनट्स हो गए हैं, मतलब जिम से पहले मैं 45 मिनट से आधे घंटे से पहले, मतलब 45 मिनट या फिर आधे घंटे पहले मतलब ये वाली मील लेता हूँ। एंड इस मील में हमारे पास होते हैं 2 ब्राउन ब्रेड एंड 1 बनाना, एंड साथ में अगर आपके पास पीनट बटर है तो बहुत बढ़िया है, और अगर पीनट बटर नहीं है तो आप सॉस के साथ भी खा सकते हो, टोमेटो सॉस के साथ।
तो जिन लोगों ने मेरी पहली वाली वीडियोस देखी है उन्हें तो पता होगा इस वाली मेल के बारे में, तो आप चेक कर लेना पिछली वाली वीडियोस में, तो आपको पता चल जाएगा। एंड अभी मैं जा रहा हूँ यार जिम, क्योंकि लेट हो चुका हूँ बहुत ज़्यादा। तो यार चलो चलते हैं जिम में, क्योंकि आज चेस्ट और शोल्डर मारनी है एंड साथ में शायद थोड़ी सी ट्राइसेप्स भी है। हाँ, मतलब मैं पुश पुल मार रहा हूँ तो अभी यही मार रहे हैं, तो चलो चलते हैं यार। स्पीड देखो और इस बंदे को भागते हुए देखो, पैर देखो कितनी तेजी से वेरी गुड। सो गाइस फाइनली वर्कआउट हो चुका है पूरा एंड अभी जा रहे हैं हम KFC, बहुत भूख लग रही है तो चलो चलते हैं यार। चले ये दे रहा काटिया साले, मेरी वीडियो बता दी, बना दी भाई, फेमस हो जाएगा तू अब। तो भाई हमारा यहाँ प्लान चेंज हो गया, ये किसकी वजह से, इसकी वजह से प्लान चेंज हो गया और हम आ गए किशोरी। हैं तेरी भी दिखानी थी? नहीं मेरी नहीं दिखानी थी, मैं क्या दिखा दी अब तो प्लान चेंज हो चुका है, हम किशोरी आ रखे हैं एंड आप लोगों को पता ही होगा किशोरी कहाँ है, तो मैं इसे खा लेता हूँ उसके बाद। सो गाइस फाइनली आई एम बैक होम एंड हम वहाँ से मतलब मेरे को वहाँ से लगा लगभग 15 मिनट, तो मैं घर वापस आ चुका हूँ एंड बहुत ज़्यादा थक चुका था, तो लाइक मैंने कार ले लिया एंड मैं ये बताना चाहता था लाइक गाइस जो वॉच टाइम का रेशियो है ना, जो सब्सक्राइब एंड नॉट सब्सक्राइब का, वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। मैं यहाँ दिखा दूँगा आपको यहाँ पर, ठीक है आप देख लेना। तो यार जो भी वीडियो को मतलब न्यू बंदा देख रहा है वो यार सब्सक्राइब कर दिया करो, मतलब मेरे चैनल पर हिट हो चुके हैं 1 मिलियन व्यूज़, ठीक है थैंक्स फॉर दैट, मतलब इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, तो यार थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दिया करो। तो गाइस अभी बज रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, वो घड़ी तो ख़राब है, तो अप्रोक्सीमेटली अभी बज रहे हैं 10, तो यार आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं वरना ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, कोई देखेगा नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, टाटा।